जीपीएल न्यूज़ हर खबर आपके साथ। कोविड 19 से जंग में जहां पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है, इससे लड़ने के लिए सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन का पूरा हिंदुस्तान सख्ती से पालन कर रहा है। वहीं इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर गरीब एवं असहाय लोगों एवं मजदूरों पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। हालांकि सरकार ने कई कदम इससे निपटने के लिए ज़रूर उठाए हैं, साथ ही बहुत सारे लोग आम से खास तक इनकी सहायता के लिए आगे आए हैं। इसी बीच गोपालगंज के आम हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर दंपति ने भी मजबूर एवं असहाय लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है तथा वैसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं जहां या तो राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है या फिर वो उससे वंचित रह जाते हैं। साथ ही उनके द्वारा मुफ्त चिकित्सीय सलाह के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। डॉक्टर साहब यहाँ के बनी डॉक्टर साहब। आज कई घर चिन्हित करके लोगों को सामान दिया गया है जी। आज हम लोग ने कई घर जिसमें खाना नहीं बन रहा हो दो चार दिन से, और जिसको तकलीफ हो, जिसको खाना नहीं पहुंच रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, हम लोग उसको अनाज उसके घर चिन्हित करके पहुँचा रहे हैं। और उसमें करीब 13 से 14 आइटम्स भी हैं, आलू प्याज सोयाबीन और साबुन सोडा सब लेके हम लोग पहुँचा रहे हैं। और उस चिन्हित करके हम लोग करीब 15 से 20 घर में आज हम लोग सामान पहुँचाए हैं। ऐसे में देखा जाएगा कि आज भी आपने बहुत सारे घर को चिन्हित किया है जो कि अगले टाइम में उनको फिर दिया जाएगा। आज हमको एक और लिस्ट मिला है 10-15 आदमी का, और तो उसको भी हम लोग अपना उसमें इंतजाम करके एक आध दिन में उसको भी हम लोग घर में पहुँचा देंगे। जीपीएल न्यूज़ हर खबर।